देखिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई थी। ये तालाब की जमीन 1999 में जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था उस समय ये जमीन कोर्ट के लिए अलाट हुई थी। उस समय जिला योजना समिति में हमारे लोगों ने भी इसका विरोध किया था। उसके बाद जब 2003 में हमारी सरकार बनी और हमारे मेयर माननीय मोगे जी थे, माननीय उमाशंकर शर्मा थी, तो हमने पूरे तालाब के विकास की योजना बनाई और माननीय मोगे जी के समय तो हमने कम से कम 500 पेड़ों का वहाँ पौधारोपण किया था। और उमा शशि के समय भी भाई समीर चिट्ठी उस समय पार्षद थे वहाँ के, उन्होंने भी इस तालाब को बचाने के लिए, इस तालाब को संवारने के लिए कई कदम उठाए। अभी जब माननीय भाभी यहाँ पर मेयर बनी, अजय सिंह जी सभापति बने, आप सबको मालूम है कि इसकी खुदाई के लिए नगर निगम ने पैसा स्वीकृत किया और इस तालाब के संपूर्ण विकास की एक योजना 5 करोड़ रुपए की इंदौर नगर निगम ने बनाई। अब चूंकि मामला न्यायालय का था, मामला संवेदनशील है, आज हमारी यहाँ पे संभाग आयुक्त से भी बात हुई है, इसके पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है, माननीय सांसद हमारी लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ताई जी ने भी पत्र लिखा है और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई विकल्प पर हम पहुँचेंगे और जो जन भावना है उसके अनुरूप काम होगा। देखिए ये तालाब सड़क के आंदोलन से नहीं बच सकता, ये तालाब इस प्रकार के सेटिंग से बच सकता है, ये तालाब बातचीत से बच सकता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हम सब प्रयत्नशील है। हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा।